हेलो डी स्टूडेंट एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ पूनम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के अंदर जो मेले प्रसिद्ध हैं कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं लोक संगीत और जो लोक नृत्य वाद्यंतर और आभूषण आभूषण है उनके बारे में देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एग्जाम के अंदर छः से सात क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को आपको मिल जाएंगे तो आप इसको अंत तक देखिए जिससे आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटे क्योंकि ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है वह शास्त्रीय नृत्य जिसको उद्गम स्थल है वो राजस्थान माना जाता है तो कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्गम स्थल है वो राजस्थान है ऑप्शन है भरतनाट्यम कथक कली कथक या उपयुक्त सभी तो इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान है तो इसका जो राइट आंसर है वो कथक है कथक का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान है नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है तो राजस्थान में जो भोपो हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं ऑप्शन है, है रावण हत्ता खड़ताल चिमटा या मोरचंग तो राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है इसका जो राउट राइट आंसर है वो है रावण हत्ता नेक्स्ट क्वेश्चन है गरासिया महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वर्ता नृत्य है तो जो ग्रासिया महिलाएं जो नृत्य करती है वर्ताकार नृत्य उस नृत्य को क्या कहा जाता है ऑप्शन है वालर मांदल ज्वारा या मोरिया तो ग्रासिया महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वर्ताकार नृत्य है उसको मांदल है वो कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरबंद क्या है तो गोरबंद क्या है ऑप्शन है महिलाओं का आभूषण बिलों का आभूषण ऊँट के गले का आभूषण पुरुषों का आभूषण तो गोरबंद क्या है राइट right आंसर है ऊंट के गले का आभूषण नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाइचा का संबंध किस जाति से है मांगणियार मेव डाडी कालबेलिया तो कमाइचा का संबंध है वो किस जाति से है राइट right आंसर है मांगणियार नेक्स्ट क्वेश्चन है फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है हाथ की अंगुली कलाई में पैर की अंगुली में या कमर में तो फोलरी नामक आभूषण है वो पहना जाता है पेड़ की अंगुली में नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है ऑप्शन है बयावर कोटा जयपुर अजमेर तो राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है इसका जो राय राइट आंसर है वो है कोटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है तो जो बीना ईसर की गवर है वो कहाँ पूजी जाती है ऑप्शन है जोधपुर उदयपुर जालोर या जैसलमेर तो बीना ईसर की गवर है वो जैसलमेर के अंदर पूजी जाती है ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है दीघा गवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है तो जो दीघा गवर बेतमार मेला है वो कब और कहाँ लगता है ऑप्शन है बेसा कृष्णा जोधपुर बैसाखर्षणा जैसलमेर चित्र शुक्ला जोधपुर या चित्र शुक्ला जैसलमेर तो दीघा गवर बेतमार मेला है वो बैसा कृष्णा को जोधपुर के अंदर लगता है ये इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मारी बरसालेरी ममल हालेनी हालेनी ए आलीजेर रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है तो ये एक मूमल का लोकगीत है इसमें एक प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है और आपको ये बताना है कि ये कौन से क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है उदयपुर जैसलमेर चूरू या नागौर तो इसका जो राइट right आंसर है वो जैसलमेर मूमल लोकगीत है ये जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन है कूद नृत्य किस जनजाति का है मीणा सहरिया भील गरासिया तो कूद नृत्य है वो किस जनजाति का है राइट right आंसर है गरासिया नेक्स्ट क्वेश्चन महाभारत काल से प्रसिद्ध विराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है तो महाभारत काल से प्रसिद्ध विराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है ऑप्शन है बाणगंगा मेला चीतला माता मेला शीतला माता मेला छोटी तीज मेला या सीवाड मेला तो महाभारत काल से प्रसिद्ध विराट कस्मे में कौन सा मेला लगता है इसका जो राइट आंसर है वो है बाण गंगा मेला नेक्स्ट क्वेश्चन है रसन किसका आभूषण है तो रसन किसका आभूषण है पाओ का दांत का नाक का या कान का तो रसन किसका अभूषण है इसका जो राइट आंसर है वो है दांत का नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवचक्री नृत्य क्या है तो दीवचक्री नृत्य क्या है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य ग्रासियों का दो घेरे बनाकर किया जाने वाला नृत्य मीणाओं का दो पहिए घुमाते हुए नृत्य करना इनमें से कोई नहीं तो दीवचक्री नृत्य क्या है इसका जो राइट right आंसर है वो है ए यानी विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य नेक्स्ट क्वेश्चन है सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है ऑप्शन है चित्र शुक्ल तृतीया श्रावण शुक्ल तृतीया भाद्रपद शुक्ल तृतीया भाद्रपद कर्षण तृतीया तो सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है इसका जो राइट right आंसर है वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को नेक्स्ट क्वेश्चन है पावड़ा नामक गीत गाए जाते हैं तो ऑप्शन है नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत नवागंतुक मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत अतिथियों को भोजन के समय गाए जाने वाला गीत और उपयुक्त सभी तो जो पावणा नामक गीत है वो कब गाया जाता है इसका जो राइट आंसर है वो ए है यानी नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको पावना गीत है वो कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाद्य फूक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तो जो वाद्य यंत्र फूंक मार कर बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है तत्ववाद्य यंत्र घनवाद्य यंत्र सुशीलवाद्य यंत्र अवनदवाद्य यंत्र तो जो वादे फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो राइट आंसर है सुशीर वाद्य यंत्र फूंक मार कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको सुशीर वाद्य यंत्र है वो कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुओं की धार्मिक एवं सामाजिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं तो जो हिंदुओं की धार्मिक एवं सामाजिक संस्कृति है उसमें कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं ऑप्शन है इक्कीस अठारह सोलह या नौ तो इसका जो राइट आंसर है वो सोलह है हिंदुओं की संस्कृति के अंदर सोलह संस्कार हैं वो संपन्न करवाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है तो जो तिलवाड़ा का पशु मेला है वो राजस्थान के किस जिले में लगता है राइट आंसर आपको बताना है और ऑप्शन है जालोर बाड़मेर जोधपुर और नागौर तो तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है इसका जो राइट आंसर है वो है बाड़मेर नेक्स्ट क्वेश्चन है लांगूरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है तो जो लांगूरिया नृत्य है वो किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है ऑप्शन है केला देवी मेला खाटू श्याम जी मेला कजली तीज मेला जीवन माता मेला तो का लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है इसका जो राइट आंसर है वो है केला देवी मेला नेक्स्ट क्वेश्चन जल झूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है तो जल झूलनी एकादशी का मेला कब बढ़ता है कहाँ बढ़ता है बूंदी जयपुर चित्तौड़गढ़ मंडोर तो जल झूलनी एकादशी का मेला है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं एजुकेशन विद पूनम पूनमैन को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण लेक्चर है वो मिल सके आज के लिए इतना ही थैंक यू